बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आंखें ख़राब हो जाती हैं मुर्गियों की, इन्हें वाश करना, इन्हें साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इनकी आंख ज़ाया होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। आंख ज़ाया भी हो सकती है और चूज़े मर भी सकते हैं। तो इनकी बाकायदा ट्रीटमेंट होती है, आप इन्हें आँख से आँख के इर्द गिर्द को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से दबाएँ, और जो अंदर जो गंध होता है, जो रेशे नुमा लोथड़ा बना होता है, इसे किसी ना किसी चला बाहर निकालना होता है, ताकि आँख जो ही आप, ये पहला स्टेप होता है ट्रीटमेंट का और ये सबसे ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमने आँख को साफ़ करना होता है। जो ही अगर आप, जब आप आँख साफ़ कर लेते हैं तो समझ लें कि आँख ठीक होना उसी वक्त से शुरू हो जाती है जब आप ये जो सफाई है ये कर देते हैं। तो जब सफाई करने के बाद आप ऊपर ये जो पॉलीफेक्स ट्यूब होती है ये लगा सकते हैं। तो बिल्कुल आहिस्ता से, आराम से, ज़्यादा नहीं दबाना। ज़्यादा दबाने से आँख ख़राब भी हो सकती है, मतलब जानवर को तकलीफ़ तो होती है। जो परिंदा आपने पकड़ा होता है जिसकी आप आँख साफ़ कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है उसे तकलीफ़ होती है। तो कोशिश करनी है आहिस्ता से, आराम से, प्यार से इसकी सफाई की जाए, ताकि इसे कम तकलीफ़ हो। तकलीफ़ तो होगी ही होगी, ताकि इसे कम तकलीफ़ हो। आप लोग देख सकते हैं कि मुर्गी कैसे जो है वो कोशिश कर रही है अपना आप छुड़ाने की, क्योंकि इसका बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा लेट कर दी है इसे बाहर निकालने से, ये अंदर इस तरह जम चुका है कि अब निकल ही नहीं रहा। तो आप पहले मतलब इसे स्टार्टिंग से ही अगर आप पकड़ लेंगे, इसकी सफाई कर देंगे, और दो तीन दिन अगर आप उसके ऊपर पॉलीफेक्स ट्यूब लगाते हैं तो दो तीन दिन में ही आँख जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है आपके चूज़े की। इसकी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी, फिर इन्फेक्शन फैलते जाता है और दूसरे चूज़ों में भी मुंतकिल होता रहता है। अगर आप एक चूज़े की ट्रीटमेंट नहीं करते, उसका इलाज नहीं करते, तो फिर जो है वो जरासीम जो है वो मर्ज है वो फैलता रहता है। ये आप फीड के डब्बू से जरासीम फैल सकते हैं, जहाँ पे वो खाते हैं वहाँ पे जरासीम लग जाते हैं, जहाँ पे वो पानी पीते हैं, पानी वाले बर्तन में जब वो मुँह डालते हैं तो वहाँ पे भी जरासीम लग जाते हैं, और फिर जो जो चूज़ा वहाँ से पानी पिएगा सबको जरासीम लगते जाएंगे। तो ये इसकी सफाई हो गई है। अब इसके ऊपर ये देख सकते हैं आप पॉलीफेक्स ट्यूब है, ये इसके ऊपर दो तीन दिन आपने हर रोज़ दो तीन दफ़ा लगाते रहना है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है आँख साफ ठीक हो जाएगी, कोई मसला परेशानी नहीं होगी। तो ये काम है केयर का। मैंने भी शुरू में बंदे को होता है दिल नहीं करता, मतलब क्योंकि उसे तकलीफ़ होती है तो रहम भी आता है, तो ये काम भी कुछ अजीब सा ही है। तो इसे अब छोड़ देते हैं। तो